हेलो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखेंगे। उसको डिफाइन करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम लोग सिंपल कंडक्टर के लिए, जो होता है मेटालिक कंडक्टर में, कैसे उसके रेसिस्टेंस क्या होते हैं, रेसिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये सारे टर्म को पहले हम लोग सीख लेंगे। फिर उसके बाद इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली, किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी कंडक्टर से आप क्या करते हो, किसी भी कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हो, या कहो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो उसके टर्मिनल के अक्रॉस, टर्मिनल मतलब कि मान लीजिए किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल के बीच आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं हम लोगों को ये कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, या कहो कि इलेक्ट्रॉन को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंडक्ट कर रहा है। लेकिन इस कंडक्शन के केस में कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं हमारे जो कंडक्टर हैं, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं। अपोज करने का मतलब कि उसके फ्लो को ठीक से होने नहीं देते हैं, या उसके लिए क्या करते हैं, वो ऑब्स्टिकल के जैसा काम करते हैं, बीच में उसको रोकने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग रेसिस्टेंस को डिफाइन करें, तो रेसिस्टेंस का क्या काम है, रेसिस्टेंस का काम है कि किसी भी कंडक्टर से होके जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसको क्या करे, डिस्टर्ब करे। और इसी का जो मेज़रमेंट होता है, इसी को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, रेसिस्टेंस इज़ द मेज़र ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, ठीक ना। तो हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस है मेजरमेंट ऑफ द अपोजिशन, रेसिस्टेंस इज अ मेजरमेंट ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, मतलब कि जिस भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोज करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसके अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस कहलाती है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली आर सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल क्या यूज़ करते हैं, आर। और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है डिपेंड करता है आपको इसके लेंथ पे। जितना लंबा कंडक्टर होगा तो उसको करेंट को क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करने में उतना ऑब्स्टिकल बीच में उसके नज़र आने वाले हैं उसको, ठीक ना। अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करके अगर कोई करंट पास कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, पॉइंट बी तक पास कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, बीच वाले जितने भी ऑब्स्टिकल हैं सभी को पास करते हुए जाएगा। तो सभी के कारण इसमें कुछ काउज, मतलब कि जिसको अपोजिशन, इसको अपोजिंग मतलब को कहो कि इसके अगेंस्ट कोई फोर्स लगेगा, और इसी के कारण क्या होगा कि अगर जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस क्या है, जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन, अगर हम लोग सिंपल मोशन में देखते हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन आपको किसी भी मूवमेंट को रोकने के लिए, अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए वहाँ वर्क करता है। तो यहाँ भी क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वहाँ पे ये फ्रिक्शन लाइक वर्क करना स्टार्ट करता है, कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, बिल्कुल स्टॉप नहीं करेगा। अगर स्टॉप कर देगा तो हमारा ये कंडक्टर नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। तो इसी के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, जो भी कंडक्टर आप लिए है उसके लेंथ पे, और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कि जिस भी कंडक्टर को आप लिए हो उसका जो, आप लोगों को मान लीजिए कि ये कंडक्टर होता है, आप लोगों को इसकी कहो कि अगर कोई वायर है
तो कोई वायर कितना इसका जो सर्कल एरिया है, मान लो कि करंट अगर इस साइड से पास कर रहा है तो इसका ये जो एरिया होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे। ये वाला जो पार्ट है इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं अब, ठीक ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। जैसे कि इस साइड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ये जो एरिया है इसका क्या कहलाएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, ठीक ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होती है। जैसे जैसे आप इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करोगे फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, उतना ईजी हो जाएगा, या कहो कि इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम इफेक्टिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को रोक पाने में ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए ये क्या होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है एल बाई ए को, जो ये हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट से रिलेट किए हुए हैं, जब इसको इक्वलिटी साइन से रिप्लेस करेंगे तो बीच में जो ये टर्म आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रो कहते हैं, आर एच ओ रो कहते हैं, ठीक ना। कहीं कहीं पे आपको इस तरह से लिखा हुआ रहता है, रो इस तरह से लिखा हुआ रहता है, लेकिन एनसीईआरटी इस सिंबल को यूज़ करती है तो हम लोग इसी सिंबल को यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो आप किसी भी टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, ये वाले टर्म्स को या ये वाले टर्म को। ये भी रो है, ये भी रो है और ये भी रो है, लेकिन एनसीईआरटी जिसको यूज़ करती है आप उसी को प्रेफर करो। तो R क्या हो गया, ये R हो गया रो L by A, L क्या हो गया लेंथ हो गया, A क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो अब हम लोग रो को क्या कहते हैं, रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, या इसको हम लोग एक स्पेशल नेम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। रेसिस्टिविटी कहने का मतलब कि किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ में, इसका भी डिफिनेशन हम लोग कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, किसी कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, आगे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। फिर एक टर्म आपका ये भी छूट रहा था कि ये हम लोगों को जो रेसिस्टेंस होता है इसको हम लोग मेज़र किस में करते हैं, या इसको हम लोग किसी भी कंडक्टर का जो भी रेसिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे, या इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट होती है आप लोगों को ओम यूनिट होती है, ठीक ना, इसको हम लोग ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसका अगर हम लोगों को SI यूनिट के टर्म में अगर हम लोग ओम को रिप्रेजेंट करें तो ओम का SI यूनिट के वैल्यू में क्या होगा, ओम का SI यूनिट में वैल्यू होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, फिर उसके बाद एम्पियर स्क्वायर, ठीक ना। ये हम लोगों को क्या है, ये हम लोगों को SI यूनिट में ओम की वैल्यू है। जैसे कि ओम है ना, ये ओम, ओम को ही अगर हम लोग सिंपल बेसिक यूनिट में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, मीटर kg सेकेंड और एम्पियर के टर्म में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो ये kg मीटर स्क्वायर सेकेंड का क्यूब, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। ये S जो है ये हम लोगों को सेकेंड के लिए यूज़ हो जा रहा है बेसिक यूनिट में, ठीक है। अब हम लोग दूसरे, ये जो टर्म आया हुआ था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया हुआ था, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है आप लोगों को ये रेसिस्टिविटी, इसको हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग एक स्पेशल और दूसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नेम से भी जानते हैं। और सिंबल इसका तो अभी जस्ट आपको बताया गया है कि ये रो होता है और इसका दूसरा सिंबल ऐसे इस तरह से भी होगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग डिफाइन क्या कहते हैं, ये क्या होता है, किसी कंडक्टर का ये रेसिस्टेंस की ही मेजरमेंट है। ये क्या चीज़ है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहो या रेसिस्टिविटी कहो, किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ कहने का मतलब है कि अगर आप मीटर में मेज़रमेंट कर रहे हो तो 1 मीटर, और अगर आप सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, SI यूनिट इसको मीटर कहती है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना हो जाएगा मीटर। तो अब ये इस टाइम जितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। और किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोगों को रेसिस्टिविटी पता है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पता है या रेसिस्टिविटी दिया हुआ है आपको, तो उस सब्सटेंस का हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लेंथ के लिए अलग अलग वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। तो हम लोग इसके, अगर रेसिस्टिविटी आपको दिया हुआ है तो हम लोग इसके हेल्प से क्या करते हैं, आर को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया स्क्वायर। तो अगर यूनिट लेंथ के लिए दिया हुआ है तो फाइव टाइम अगर लेंथ आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइव टाइम इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्या दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करोगे, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है तो एल बाय ए लगाओगे, तो आर की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक ना। अगर किसी भी मेटल का रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी क्या होगा, वो फिक्स क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये हम लोग यूनिट लेंथ और यूनिट क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा सिंपली, अगर जब तक इसमें टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका यूनिट के लिए अगर हम लोग बात करें तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रेसिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम के यूनिट में। ये आर क्या है हम लोगों को, कैपिटल आर है, ओम है। ए क्या है, मीटर स्क्वायर है। एल क्या है, लेंथ है। तो अगर सभी के यूनिट को अगर हम लोग रखें तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या मिलता है, ओम मीटर मिलता है। ओम के साथ मीटर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, ओम ओम और इसके साथ मीटर का मल्टीप्लिकेशन। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग डैश लगा के लिखते हैं, ओम मीटर है, ठीक ना। फिर इसका जनरल यूनिट क्या होता है, जनरल यूनिट में क्या करते हैं हम लोग, आप अगर केमिस्ट्री में यूज़ करें तो ओम सेंटीमीटर भी हम लोग यूज़ लेते हैं, सेंटीमीटर, वन सेंटीमीटर लेंथ अगर ले लें और वन सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें, तो उस जगह पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कॉमन यूनिट, या इसको हम लोग जनरल यूनिट कहते हैं, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोगों को अगर रिलेशन देखें तो क्या होगा कि वन ओम मीटर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपको 100 ओम सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सिर्फ इसमें चेंज क्या हो रहा है, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ गया, तो इस सेंटीमीटर के बदले हम लोग इसमें आगे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100 लगा देंगे। तो 100 इंटू 10^-2, तो ये फिर से कैंसिल होके मीटर में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter। तो कहीं पे अगर आप लोगों को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्सन करना है तो ये यूनिट कन्वर्सन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, नेक्स्ट टर्म हम लोग कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, अपोजिट टू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के ही क्या हो रहा है, अपोजिट टू रेसिस्टेंस हो रहा है। और इसको अगर हम लोगों को डिफाइन करना है, रेसिस्टेंस कंडक्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टेंस क्या हुआ, रेसिस्टेंस था आपको किसी कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला टर्म्स, या कहो कि उसको अपोज करने वाला टर्म। और हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ये करेगा किसी भी कंडक्टर का, अगर कंडक्टेंस की वैल्यू हाई है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस कंडक्टर से होके हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होगा। तो इसी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये इसको क्या होता है, द इजी विथ विच इलेक्ट्रॉन कैन पास इन ए कंडक्टर इज मेजर्ड बाय कंडक्टेंस। अगर इसको हम लोग सिंपली डिफाइन करें तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है कि कितना ईजिली हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर के थ्रू पास कर सकते हैं। द ईजी विथ विच इलेक्ट्रॉन कैन पास इन ए कंडक्टर इज मेजर्ड बाय कंडक्टेंस, ठीक ना। और इसका हम लोगों को क्या हो जाएगा, इसका दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, इट इज़ रेसिप्रोकल टू रेसिस्टेंस।
तो किसी भी चीज़ को अगर डिफिनेशन के लिए अगर आपको पूछा हुआ है तो ये वाला डिफिनेशन आपको नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक टर्म आपको पूछा जा रहा है और आप उसको क्या कह रहे हो, दूसरे टर्म में आप डिफाइन किए जा रहे हो, तो आपको क्या होगा कि एक के बदले आपको दो डिफिनेशन देना होगा। और अगर आप इस टर्म को यूज़ करते हो तो फिर से आपको रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिफाइन करना होगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग ये टर्म कम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को समझना है तो हम लोग समझ सकते हैं कि रेसिस्टेंस और क्या होता है, कंडक्टेंस, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक ना। तो इसी के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करें तो इसमें क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा आपको 1/ रेसिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए। और अभी आपको पता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए के इक्वल होता है। वन टाइम रो एल बाय ए को अगर हम लोग फिर से सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है ए डिवाइडेड बाय रो इंटू एल। और रो को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, रो को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं कापा से, एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसमें कि 1/ रो के बदले क्या हो जाएगा आपको, कापा आ जाएगा। जिस तरह से रो आपको रेसिस्टिविटी का यूनिट, रेसिस्टिविटी के लिए यूज़ किया गया था, उसी तरह से आपको कापा किसके लिए यूज़ किया जाएगा, कापा यूज़ किया जाएगा आपको कंडक्टिविटी के लिए, या कहो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट आप लोगों को सिंपल यूनिट अगर आप देखो, हम लोग किसको यूज़ करने वाले हैं, हम लोगों को कंडक्टेंस का एसआई यूनिट अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना हो। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, कंडक्टेंस का यूनिट हम लोगों को, कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू है। कंडक्टेंस क्या है, 1/r के इक्वल है। तो हम लोगों को अगर सिंपल ओम के टर्म में इसको डिफाइन करें तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1/ ओम, और इसी को हम लोग पर ओम भी कहते हैं। लेकिन एक इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, इसको 1/ ओम को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मोह भी कहते हैं, MHO, मोह, ठीक ना, ओम को मोह भी कहते हैं। लेकिन ये सारे टर्म्स हमारे ओल्ड वाले टर्म हैं, ये पहले यूज़ किया जाता था, मोह या ओम जो है ये पहले यूज़ किया जाता था। अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं कंडक्टेंस के लिए, अभी हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग एस से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को। हम लोग किस में डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग साइमेंस कहते हैं। साइमेंस हम लोगों को कंडक्टेंस का एसआई यूनिट है। साइमेंस क्या है, साइमेंस कंडक्टेंस की एसआई यूनिट है, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल में एस होगा। कैपिटल में एस कहने का मतलब साइमेंस, और स्मॉल में एस कहने का मतलब सेकेंड, ठीक ना। तो ये सेकेंड होता है और ये क्या होता है, साइमेंस होता है। साइमेंस आपको कंडक्टेंस दिखाएगा, और ये सेकेंड आपको टाइम के लिए यूज़ होता है, तो ये ध्यान में आप रखना है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग को दूसरा नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी था आपको जिस तरह से कि कंडक्ट रेसिस्टिविटी होता है, तो रेसिस्टिविटी का ये जस्ट इन्वर्स है, या कहो कि 1/ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी हम लोग जनरली इसको अगर हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली डिफाइन करें तो कंडक्टिविटी किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ के थ्रू, किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम और यूनिट लेंथ कहने का मतलब हो गया कि कंडक्टर का आपको क्या है, लेंथ 1 यूनिट है, अगर मीटर में मेज़र कर रहे हैं तो 1 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ क्या हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट के लिए बात करें तो 1 मीटर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए बात करें तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस समय ये जितनी कंडक्टिविटी, या कहो कि जितनी ईजी प्रोवाइड करती है, जितना ईजिली इससे इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है, वो उस पार्टिकुलर मेटल का पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। कंडक्टिविटी भी आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो हम लोगों को क्या करना है कि कंडक्टिविटी में क्या है, कंडक्टिविटी या कहो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
इसको डिफाइन करते हैं. ये क्या होता है, द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका अगर हम लोगों को SI यूनिट निकालना हो तो क्या करते हैं, हम लोग कंडक्टेंस का हेल्प लेते हैं. कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा कंडक्टिविटी A बाय L से यूज़ करते हैं इसको, ठीक ना. और उसी के बाद हम लोग कापा को अगर साइड रखें तो कापा क्या हो जाएगा, कापा हो जाएगा आपको कंडक्टेंस इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया. और हम लोगों को पता है कि कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कंडक्टेंस की वैल्यू होती है साइमेंस. ये क्या है हमारा, साइमेंस, ठीक ना, साइमेंस मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. तो मीटर मीटर में एक मीटर कैंसिल हो गया, नीचे बच गया साइमेंस पर मीटर, या कहो कि साइमेंस डिवाइडेड बाय मीटर. तो इसी को हम लोग लिखते हैं साइमेंस पर मीटर, ठीक ना. ये हमारा SI यूनिट हो गया. किसका SI यूनिट हो गया, ये हमारे कंडक्टिविटी का SI यूनिट हो गया, या इसको हम लोग कभी कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. ये लेंथ था और ये क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टर्म है ये. तो अब हम लोग क्या हो गया, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो अगर कहीं भी इसका यूज़ करना हो तो हमें उसकी सारे इन्फॉर्मेशन अब एक बार रिवाइज हो चुकी है. अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी तो कंडक्टर किसे कहेंगे, हम लोग उसको कंडक्टर कब कहेंगे, किसी भी मेटल रॉड को हम लोग कंडक्टर या सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर कब कहेंगे. तो इसी में देखिए कि कंडक्टर की वैल्यू से डिसाइड होती है कि अगर कापा की वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू कहो कि आपको क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर आपको दी हुई है 10^4 किस यूनिट में, साइमेंस पर मीटर के रेंज में, 10^4 से 10^7 के रेंज में होगा तो वो एक अच्छा कंडक्टर होगा. सबसे बेस्ट कंडक्टर कहाँ होगा, जिसकी वैल्यू 10^7 होगी, ठीक ना. और 10^4 में वो कंडक्टर के कैटेगरी से स्टार्ट होगा. इसका लोअर रेंज है 10^4 और इसका हायर रेंज है 10^7, ठीक ना. इससे ज़्यादा कंडक्टर कंडक्टिविटी किसी की नहीं होती है जनरली, ठीक है. फिर उसके बाद देखो कि सेमी कंडक्टर का रेंज क्या आता है, तो कापा की वैल्यू -6 से स्टार्ट होके 10^4 के रेंज में आती है, ठीक ना. लोअर वैल्यू है 10^-6 साइमेंस पर मीटर, और हायर वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर वैल्यू हो जाएगी 10^4 जो कि कंडक्टर के स्टार्टिंग रेंज के इक्वल है, ठीक ना. और इंसुलेटर में क्या होगा कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी. कंडक्टिविटी बहुत कम होने का मतलब इसका पावर निगेटिव में है. सेमीकंडक्टर का भी पावर क्या था आपको, निगेटिव में था, कि सेमीकंडक्टर 10^-6 से स्टार्ट होकर 10^4 तक जा रहा था. और हमारा क्या होगा, इंसुलेटर का क्या है कि इसकी कंडक्टिविटी आपको क्या होगी, माइनस से स्टार्ट होके माइनस में ही रह जाएगी. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी आपको 10^-6 से लेके 10^4 तक का वैल्यू था, ठीक है. फिर इंसुलेटर की वैल्यू क्या होगी, इंसुलेटर की वैल्यू आपको माइनस से ही स्टार्ट होगी और माइनस में ही ख़त्म हो जाएगा. मतलब कि ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इससे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बहुत हाई वोल्टेज भी पास करवाएंगे तो इससे कंडक्टर से एक भी इलेक्ट्रॉन पास करने में हमें बहुत देर लगेगा, ठीक है. फिर उसके बाद आपका ये वैल्यू है 10^-10 के रेंज में इंसुलेटर. अब तो ये हो गया हम लोगों को कंडक्टर का रेंज क्या होगा कंडक्टिविटी के लिए.
सेमीकंडक्टर का रेंज क्या होगा और इंसुलेटर का रेंज क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मेटालिक कंडक्टर में बाकी जो सारे टर्म्स हैं इसमें से हम लोगों को, जैसे कि इसकी रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कौन कौन से कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग मेटालिक कंडक्टर के लिए बात कहें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सॉलिड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहला होता है कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी मेटल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक ना, तो उस मेटल की आप लोगों को जो प्रॉपर्टी होती है कि ये किस तरह के मेटल हैं। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो उसके वो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिलीज़ करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन वो ईजिली अगर रिलीज़ कर रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हमारा जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो ईजिली प्रोवाइड किया जा सकता है, और उसमें क्या होगा, कंडक्टेंस आपको ज़्यादा फ्लो होगा। और अगर हम लोग थियोरेटिकली बात करें तो थियोरेटिकली हम लोगों को देखा गया है कि सिल्वर क्या है, सिल्वर की अगर आप प्रॉपर्टी देखो तो सिल्वर क्या है कि सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक ना। ऐसे तो सिंपल है, हम लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं किसी भी मेटल से पास करवा सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर हमारे पास कंडक्टर में सिल्वर है तो इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। फिर दूसरा होता है कि बाहर के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना वो लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, किसी भी मेटल के जो सबसे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके नंबर पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो कंडक्टर है वो कैसा कंडक्टर रहेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद अगर आप चेक करो टेम्परेचर को, थर्ड काउज क्या है, टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर वाला काउज है, टेम्परेचर में अगर हम लोगों को क्या पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हम लोग मेटालिक कंडक्टर में एक जगह से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पास करता है तो वो किसको फेस करते हुए जाता है, उसके बीच में आपको बहुत सारे कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। कर्नल्स कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और उसमें कहो कि किसी भी एटम से अगर आप क्या करते हो, किसी भी एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लेते हो तो इसमें बच क्या जाता है, इस एटम में बच जाता है इसका पॉजिटिव सेंटर, इसमें इसका पॉजिटिव सेंटर बच जाता है और इनर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसपे कि नेट चार्ज क्या होगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू का ही नेट चार्ज होगा। पहले तो ये न्यूट्रल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस पे चार्ज क्या था, इस पे चार्ज जीरो था। अब जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालोगे उतने पॉजिटिव चार्ज इस पे बच जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज को इससे कम कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी पॉजिटिव चार्ज है वो तो सेम रहेगा, और क्या होगा, जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन इससे आप बाहर निकालोगे उतनी पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगी। जैसे एग्जांपल में अगर मैग्नीशियम से क्या कर रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो मैग्नीशियम पे क्या हो जाता है, प्लस टू चार्ज आ जाता है और दो इलेक्ट्रॉन आपको इससे बाहर निकल जाती है। तो उसी तरह से ये जो बचा हुआ है मैग्नीशियम में क्या क्या बचा हुआ है, इसके 12 प्रोटॉन बचे हुए हैं और 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं, या उसको हम लोग कोर ऑफ एटम कहते हैं, ठीक ना। तो ये वैल्यू क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो उसके जो कोर ऑफ एटम होंगे सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, अपने ही पोजीशन पे फिक्स होता है, और जैसे ही आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उसके वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, उसके वाइब्रेशन आपको फास्ट हो जाएंगे। तो वाइब्रेशन फास्ट करेगा अपने ही रास्ते में, अगर कोई मेटल वाइब्रेट कर रहा है फास्ट में, अप एंड डाउन कर रहा है, तो इस साइड से पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा ही डिस्टर्ब करेगा। इसलिए किसी भी कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। उसी चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है, ये 3 टर्म होंगे हमारे मेटालिक कंडक्टर के लिए, डिपेंड करेगा हमारा इसका जो रेसिस्टेंस होगा,
रेसिस्टेंस कहो या कंडक्टेंस कहो, दोनों आप लोग उनको किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेसिस्टेंस के लिए बात कहो तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ हमारा कंडक्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। जो वैल्यू आपको रेसिस्टेंस के लिए इंक्रीज कर रहा है वो कंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको आगे ही ऊपर ही आपने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट नेचर का है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखिए कि मेटल में तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए एक मेटल था, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एक जगह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पास करता था। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कहो या हम लोग कहो कि जो सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन में, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे हमारे सॉल्यूशन में, क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं नज़र नहीं आएगा हमें, क्योंकि यह मेटल नहीं है जो कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको आयंस प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में ब्रेक हो जाए तो यही क्या करेगा, आयंस का क्रिएट करेगा। मान लो कि HCl है आपके पास, और जैसे ही आप इसको क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, ये क्या होगा, H+ आयन प्लस Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और अब आप इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे मतलब कि एक जगह से पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी प्रोवाइड लगा दोगे और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को लगा दोगे। तो अब क्या होगा कि अब इसमें जो चार्ज है, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, उस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा जो इसके अपोजिट नेचर का है। किस साइड है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोल्स के तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पोल के तरफ मूव करना चाहेगा। तो इसी के कारण अब हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नज़र आएगा, या कहो कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ये इसके आयंस पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो आयन के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो देखते हैं कि हम लोगों को कंडक्टेंस कंडक्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी हम लोगों को डिफरेंट टर्म को पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट टर्म क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, मतलब कि जिस भी इलेक्ट्रोलाइट को आप लोगे वो डिसाइड करेगा कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी किस रेट कैसे फ्लो करवाना है। मतलब कि वो जितना ज़्यादा उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। तो हम लोगों को मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जैसे ही आप उसको सॉल्यूशन में डालोगे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो मोर नंबर ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करने के लिए आपके पास प्रेजेंट होंगे। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोगों को अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस इसमें ज़्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या है, साइज ऑफ आयन पे भी डिपेंड होता है हम लोगों को, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। मान लीजिए कि अगर किसी सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि हम लोगों को आयंस में ब्रेक हो गया, तो कोई भी अगर हम लोगों को आयन मिला हुआ है तो आयन को क्या करते हैं, हम लोग आयन को चारों तरफ से हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो उसको घेर के रख लेता है। मान लीजिए कि आपको पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप HCl को ही वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो H+ आयन जो है H+ आयन के चारों तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। इस साइड क्या होगा, ऑक्सीजन
वाटर का ऑक्सीजन इसको टच किए हुए रहेगा, वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट इसको टच किए हुए रहेगा, और इस पे क्या रहेगा, माइनस डेल्टा चार्ज रहेगा आपको ऑक्सीजन पे, और हाइड्रोजन पे क्या रहेगा आपको, प्लस डेल्टा चार्ज रहेगा। इस तरह से इसको बात करें तो ऑक्सीजन इधर हो गया, हाइड्रोजन इधर रखिए, इधर पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस डेल्टा। तो सभी तरफ से इसको ऑक्सीजन आके घेर लेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेशन कहते हैं। सॉल्वेशन कहने का मतलब कि जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के चारों तरफ आके उसको क्या कर दे, उसको चारों तरफ से घेर ले, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन, ठीक ना। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में आयंस का सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हो गया, कहने का मतलब कि ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उसके अक्रॉस में इसमें क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज इसको घेरे पड़े हुए हैं, इसको घेर के बैठे हुए हैं, तो इसको फ्री रखने नहीं देगा। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट इस पर उतना ही कम होगा, क्योंकि इसका चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्ज है वो किसी आयंस पे ही आपको ज़्यादा लगेंगे, आयंस पे ज़्यादा लगेंगे मतलब कि अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो फिर भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट अपोजिट होगा। तो अगर हमारा सॉल्वेंट, अगर हमारा क्या हो गया, अगर हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, कम्प्लीटली डिसॉल्वेटेड हो गया, मतलब कि इसका क्या हो गया, चारों तरफ से इसको बहुत ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, इसको अगर हम लोगों को चारों तरफ से डिफरेंट जो इसके सॉल्वेंट थे वो क्या कर लिए हैं, उसको घेर के रखे हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोगों को इफ़ेक्ट है बहुत कम होने वाला है, ठीक ना। फिर उसके बाद आप लोगों को जो थर्ड प्रॉपर्टी है, तो ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग आगे भी देखेंगे, इस सारे प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ आपको टर्म्स याद रखना है और इसको आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक ना। थर्ड टर्म देखते हैं हम लोग, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करना है एक डायरेक्शन से, एक नेगेटिव एंड से आपको पॉजिटिव एंड से किधर जाना है, पॉजिटिव एंड से आपको नेगेटिव एंड की तरफ जाना है। तो अगर इस जिस मीडियम में ये प्रेजेंट है वो इसको इजीली पास होने दे रहा है, आपको पता है विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी आपको लिक्विड में फ्रिक्शन टाइप का एक फोर्स होता है, जो जिस सॉल्यूशन की विस्कोसिटी हाई होगी उससे पास करना हमारे लिए क्या होगा, उतना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक ना। कहो कि हमारा लिक्विड क्या होगा, लिक्विड उतना डेंस होगा, और लिक्विड जितना डेंस होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज को पास करना क्या हो जाएगा, दूसरे वाले जो आयंस हैं उसको पास करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर इसकी विस्कोसिटी बहुत कम है तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो भी चार्ज है उसको इजीली पास करने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है और इसके विस्कोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। फिर उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए कि जिस भी इलेक्ट्रोलाइट को आप ऐड कर रहे हो किसी सॉल्यूशन में, उसके कॉन्सेंट्रेशन को इनक्रीज़ करोगे, कॉन्सेंट्रेशन इनक्रीज़ करोगे के मतलब कि अगर उसकी मॉलरिटी इनक्रीज़ कर दे रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके, या कहो कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर में वो प्रेजेंट होगा, अगर स्ट्रांग भी होगा, तो अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए कि HCl को ऐड कर रहे थे, पहले 1 मोल ऐड कर रहे थे, तो क्या होंगे, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, तो 1 मोल H प्लस आयन देगा और 1 मोल आपको Cl माइनस आयन देगा। लेकिन इसी के जगह पे अगर आप 2 मोल्स यूज करोगे, कॉन्सेंट्रेशन को इनक्रीज कर दोगे, तो अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास सॉल्यूशन में 2 मोल्स HCl प्रेजेंट था, तो अब ये क्या करेगा, 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयन देगा और 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस आयन देगा। मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को आप इनक्रीज करोगे इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसका क्या होगा, इसमें अवेलेबल जो आयंस हैं जो कि कंडक्टिविटी का काउज है, या जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं, उसके नंबर इंक्रीज होंगे, और जैसे ही नंबर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा,
तो हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी उस सॉल्यूशन का इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर थर्ड है टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्टर में क्या था, हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो जिधर से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था उसमें जो कोर्स थे वो वाइब्रेट ज़्यादा किए जा रहे थे, और वाइब्रेट करने के कारण वो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो भी टेम्परेचर है ये इनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ इनर्जी है, ये किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, सपोर्ट करता है। किसी भी बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना है तो आप उसको हीट कर दो या उसको हाई टेम्परेचर पे दे दो तो वो बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर वीक भी इलेक्ट्रोलाइट है और उसको आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि हम लोगों को इस सॉल्यूशन में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट थे वो ईजिली ब्रेक हो जाएंगे और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट का अगर आपको विस्कोसिटी दिया हुआ है टेम्परेचर जो कि लोअर टेम्परेचर है तो लोअर टेम्परेचर पे आपको हाई विस्कोसिटी होगा, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक ना। तो हम लोगों को विस्कोसिटी डिक्रीज करने का मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज करना, और इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा ब्रेक करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करना। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने के कंडीशन में क्या होती है, इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है जो कि जस्ट अपोजिट है मेटालिक कंडक्टर के थ्रू। तो आज के क्लास में हम लोग इस नेचर तक ही रखेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में मोलर कंडक्टिविटी और फिर बाकी के जो कंडक्टिविटी है सिंपल कंडक्टिविटी वो सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं।